नमस्कार दोस्तों, ई एंड आई टेक्नीशियन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज कमेंट रिप्लाई कर रहा हूँ कि अपना फोनिक्स का जो वेट मशीन है इसका वेट कैसे सेट करते हैं। सपोज डैट आपको वेट कम करना है या वेट ज़्यादा करना है, जैसे वेट की जो लिमिट होती है उसको कम कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो उसी बेस पे बनाया हमने कि कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे फोनिक्स के जो वेट मशीन है वो 30 किलो का है, उसे 60 किलो करना है या 50 किलो का है, उसे 100 किलो करना है या उससे कम करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, सबसे पहले ये प्रक्रिया करने से पहले आपको अपना लोड सेल चेक करना पड़ेगा कि जो अपना आपका जो लोड सेल लगा हुआ है वो कितने केजी का लगा हुआ है। सपोर्ट होता है अगर 100 केजी का लोड सेल लगा हुआ है तो उसमें इतना टॉलरेंस रखना है कि जैसे 60 किलो का आप मैक्सिमम वैल्यू सेट कर देते हैं, ताकि कुछ जर्क वेट आता है कि कुछ रखते समय कुछ दब जाते हैं तो वो उस वेट उससे ऊपर ना जाए, ताकि आपका लोड सेल ना डैमेज हो। इसलिए दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वेट सेट करें तो लोड सेल सबसे पहले देख लें कि आपके जो वेट मशीन में जो लोड सेल लगा हुआ है वो कितने केजी का लगा हुआ है। सपोर्टेड मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरे सामने जो वेट मशीन रखी है इसको वेट मशीन जो इसका वेट वैल्यू है वो 20 केजी सेट कर रखा है हमने, लेकिन इसके में जो लोड सेल लगा हुआ है वो समथिंग 50 केजी का लोड सेल लगा हुआ है, ताकि अगर कोई जर्क लोड कोई ऊपर से कोई चीज़ गिर भी जाती है या कोई चीज़ जोर से रख दिया जाता है तो इस पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो, और अगर दोस्तों नए चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कैलिब्रेशन का वीडियो देखना है तो कैलिब्रेशन का वीडियो मेरा पिछला वीडियो है, वो कैलिब्रेशन का वीडियो उसमें आप देख सकते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बार इसको बंद करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हमारा डिस्प्ले बंद हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर एक आप देखेंगे इस पॉइंट पे कैलिब्रेशन पोर्ट लगा हुआ है, इस जगह पे कैलिब्रेशन पोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे कैलिब्रेशन पोर्ट लगा हुआ है अंदर की तरफ, जिसको हम कैलिब्रेशन मोड में ले लेंगे। उसके बाद फिर वापस जो है जीरो दबा के, यहाँ पे जीरो को दबा के उसके बाद इसको हम ऑन करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने उसको ऑन करेंगे, इसको जीरो को दबा के रखेंगे और फिर ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये मिस्टेक हुआ, या तो जीरो छूट गया या फिर उसमें थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है। वापस हम बंद करेंगे और फिर जीरो को दबा के रखेंगे और फिर ऑन करेंगे। अब देखते रहे, इस तरह का कुछ इंटरफेस सामने आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अपने को सबसे पहले टेयर प्रेस करना है। एक बार यहाँ पर देखा, हमने टेयर प्रेस कर दिया। एक बार टेयर प्रेस करने के बाद ये आ गया C10। ये C10 क्या है, ये इसकी मैक्सिमम वेट है, जो हमारा जो वेट मशीन का जो सेट पॉइंट है वो 10 किलो है। अगर 10 किलो से हम ज़्यादा रखेंगे इसमें तो ये एरर बता देगा या ओवरलोड दिखा देगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो है इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ही हम कम ज़्यादा करते हैं, चाहे 10 किलो करें या 15 किलो कर दें इसको। सपोर्ट डेट देख सकते हैं यहाँ, इसको हम 10 केजी को हम बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का सेम वही प्रोसेस है, आप जीरो से प्लस होगा और आप देख सकते हैं 10 से 15 हो गया। 15 से हम क्या करेंगे, इसको 20 कर देंगे। 20 करने के बाद में वापस हम इसको मोड दबा के सेट कर लेंगे। हमने इसको मोड दबा के अब एक बार ये सेट हो गया। सेट होने के बाद क्या करेंगे, फिर हम वही एक बार टेयर दबाएंगे। टेयर दबाने के वही CL50 जो कैलिब्रेशन सिस्टम है अपना, वहाँ जाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक बार मोड दबाएंगे। मोड दबाने के बाद हम उसमें वेट सेट करेंगे कि हमारे पास जितने केजी का वेट होगा उतने वेट से हम कैलिब्रेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो वेट है वही बुलियन वेट 2 केजी का स्टैंडर्ड वेट है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 केजी सेट करेंगे। अब 2 केजी सेट करने के लिए वापस वही मोड से माइनस और जीरो से प्लस होगा, तो हम क्या करेंगे, मोड से माइनस करेंगे, इसको सेट करेंगे 2 केजी। देख रहे हैं हम जिसको कम कर रहे हैं, कम करने के बाद इसको शोरी दोस्तों मोड नहीं, एम प्लस से हम माइनस करेंगे और जीरो से प्लस करेंगे। देख सकते हैं हम लगभग 2 किलो के आसपास आ गए हैं, और देखिए ज़्यादा नीचे चले गए, इसको वापस हम प्लस कर लेंगे और इसको जो है 2 किलो पे ला के सेट कर देंगे। अब देख सकते हैं हमने 2 किलो पे सेट कर दिया है। सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म अपना क्लीन होना चाहिए एकदम, देख सकते हैं प्लेटफॉर्म क्लीन है। प्लेटफॉर्म पर हम अपना 2 किलो वेट रख देंगे, ये हमने वेट रख दिया है। वेट रखने के बाद वापस हम एक बार मोड दबा देंगे, मोड दबाते ही हमारा कैलिब्रेशन डन हो जाएगा। अब हम वेट को हटा देंगे, वेट हटाने के बाद आप वापस रखेंगे। वापस रखने पे देख सकते हैं आप यहाँ पे लगभग 2 किलो, यानी कि यहाँ पे रख सकते हैं 2 किलो ही है, और हम यहाँ देखेंगे यहाँ पे
2 किलो के आसपास, सॉरी कुछ प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम है, तो लगभग 2 किलो ही दिखा रहा है। और यहाँ पे फिर 2 किलो खड़ा के हम 500 ग्राम रखेंगे तो ये 500 ग्राम ही दिखा रहा है। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या हमने 20 किलो जो सेट किया है तो 20 किलो तक ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसको हम या तो 20 किलो का वेट रखेंगे या हम दबा के देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इसको प्रेस कर रहे हैं, इसको प्रेस करने के बाद देख सकते हैं आप ये 14, 15, 16 देख सकते हैं 20 किलो से ऊपर जाते ही इरर हो गया। तो इस तरह से दोस्त अपने वेट मशीन का वेट बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों कैलिब्रेशन कंप्लीट करने के बाद हम वापस अपने जो पोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट लगा हुआ है, इस पोर्ट को जो है यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट है, इस पोर्ट को वापस अपनी जगह कर देंगे। करने के बाद में अब इसका जो प्लेट है इसे वापस हम यहीं फिट कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का प्लेट, इसे जो है वहीं फिट करके उसके बाद फिर बंद कर देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।